हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रामा थ्रिलर मूवी को, जिसमें एक 40 साल की टीचर को अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और उनकी लाइफ में क्या क्या होता है ये मूवी में दिखाया गया है, जिसका नाम है एन अफेयर, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था हेनरिक मार्टिन ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 5.5 आउट ऑफ 10 स्टार। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 40 साल की एक जिमनास्ट टीचर को दिखाया जाता है, जिसका नाम अनीता होता है। अनीता एक स्कूल में जिमनास्ट टीचर का जॉब लेती है और आज स्कूल में उसका पहला दिन है। अनीता क्लास में आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है और स्टूडेंट्स को अपने बारे में कुछ कहने के लिए कहती है। उन स्टूडेंट में से एक लड़का, जिसका नाम मार्कस होता है, वह कहता है, मेरे पास सबसे बड़ा डिक है। ये सुनकर पूरा क्लास हंसने लगता है और अनीता समझ जाती है कि मार्कस कैसा लड़का है। फिर हम देखते हैं अनीता उसी रात अपने हस्बैंड और दो बेटियों के साथ डिनर करती होती है। फिर रात को अनीता अपने हस्बैंड के साथ गपागप करना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे मना कर देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों के बीच सेक्स रिलेशनशिप ठीक नहीं है। फिर सुबह सुबह जब अनीता जॉगिंग करने के लिए बाहर जाती है, तो उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके बाद जब वह घर जाती है, तो उसे घर के बाहर एक लेटर भी मिलता है, जिसमें लिखा होता है, वह जॉगिंग ड्रेस में आज बहुत खूबसूरत, सेक्सी और हॉट लग रही थी। अनीता को समझ नहीं आता ये सब कौन कर रहा है। फिर वह स्कूल जाती है, वहाँ वह देखती है मार्कस किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। वह मार्कस को छुड़ाती है, क्योंकि मार्कस को उस लड़ाई में थोड़ी चोट लग जाती है। फिर अनीता उसकी मरहम पट्टी करती है। जब वह ऐसा कर रही होती है, मार्कस उसे सेड्यूस करके उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि वहाँ एक स्टूडेंट आ जाता है और वह किस नहीं कर पाते। अब अनीता भी मार्कस की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, इसलिए वह मार्कस के सोशल मीडिया पर उसे स्टॉक करती है। फिर अनीता मार्कस को मैसेज करती है और उसे कहती है, आज जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। फिर मार्कस मैसेज पढ़कर उसे अपने डिक की पिक भेजता है, जिसे देखकर अनीता बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। अब अगले दिन मार्कस के पेरेंट्स स्कूल आते हैं, क्योंकि उसने किसी के साथ लड़ाई की होती है। जब अनीता मार्कस की माँ से मिलती है, तब मार्कस की माँ अनीता की पुरानी दोस्त निकलती है। फिर अनीता सबको बताती है मार्कस इस हरकत की वजह से वह स्कूल ट्रिप पर नहीं जा सकता। मार्कस अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहता है। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं, मार्कस नीचे अपने पैरों से अनीता के पैरों को टच करके सेड्यूस करने लगता है। अनीता अनकंफर्टेबल फील करती है, जिससे वह मीटिंग को जल्दी ख़त्म कर देती है। फिर जब वह स्कूल के बाद अपनी कार में होती है, तब मार्कस कार में आ जाता है। तब दोनों पहली बार किस करते हुए घपाघप करने लगते हैं। फिर दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। फिर दोनों रोज़ाना गपागप करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। फिर मार्कस अनीता के साथ बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। जब एक दिन अनीता मूड में होती है, तब वह मार्कस से मिलने के लिए कहती है, लेकिन मार्कस कहता है उसे आज मैच खेलने के लिए जाना है। फिर अनीता मार्कस का सोशल मीडिया चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि मार्कस किसी दूसरी लड़की के साथ है। फिर वह मार्कस के घर जाती है और मार्कस की माँ से मिलती है। थोड़ी देर बाद मार्कस जब अपने घर आता है, और वहाँ वह अनीता को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। मार्कस अनीता से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब मार्कस की माँ उसे बताती है कि अनीता ने उनका बुक क्लब ज्वाइन किया है। फिर मार्कस बाथरूम में नहाने चला जाता है। फिर अनीता भी बाथरूम का बहाना बनाकर मार्कस के बाथरूम में आ जाती है। फिर बाथरूम के अंदर दोनों घपाघप करते हैं। फिर अगले दिन मार्कस स्कूल नहीं आता और अनीता को पता चलता है कि मार्कस बीमार है, इसीलिए अनीता मार्कस को मैसेज करती है। तब मार्कस उसे बताता है कि वह बीमार है और कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाएगा। एक दिन अनीता अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में होती है, तब वह मार्कस को कॉल और मैसेज करती है, लेकिन मार्कस उसके किसी भी कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। फिर वह खुद को रोक नहीं पाती और मार्कस के घर चली जाती है। उसे वहाँ पता चलता है मार्कस मैच खेलने गया है। ये सुनकर अनीता समझ जाती है कि मार्कस उससे झूठ बोल रहा था। फिर अगले दिन अनीता मार्कस से मिलती है और उससे कहती है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मार्कस उससे कहता है, तुम ये मत सोचो कि
कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम लोग कपल हैं और ऊपर से तुम मुझसे एज में भी काफ़ी बड़ी हो। फिर वह अनीता को बताता है वह मीना के साथ डेट कर रहा है। मार्कस अनीता के साथ बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करता है। अनीता समझ जाती है कि मार्कस ने सिर्फ उसका यूज़ किया है। अब अनीता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर मीना को देखकर बहुत ज़्यादा जलने लगती है। एक दिन मौका पाकर अनीता मार्कस के फ़ोन से मीना की न्यूड पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। जब इसके बारे में मीना को पता चलता है तब वह बहुत रोती है। अनीता इसका फ़ायदा उठाती है और मीना से कहती है कि ये काम मार्कस का ही है और वह अच्छा लड़का नहीं है और तुम उससे ब्रेकअप कर लो। फिर अनीता उन दोनों को उसके घर पर देखती है और वह समझ जाती है कि इन दोनों ने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया है, क्योंकि मार्कस ने मीना को कन्वेंस कर लिया था। न्यूड पिक्चर को उसने वायरल नहीं किया है। मार्कस और मीना को साथ देखकर अनीता गुस्से से पागल हो जाती है और बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगती है। फिर अनीता प्लेग्राउंड पहुंच जाती है, जिसे देखकर मार्कस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। फिर वह मार्कस को बताती है वह प्रेग्नेंट हो गई है, जिसे सुनकर मार्कस पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर दोनों कार में जाकर बात करने लगते हैं। अनीता मार्कस को कहती है वह इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी, बस तुम मुझे मैसेज और कॉल का रिप्लाई देते रहना। फिर दोनों कार में गपागप करते हैं, लेकिन अनीता ने मार्कस से झूठ बोला होता है ताकि मार्कस को वह ब्लैकमेल कर सके और मार्कस उसके पास रह सके। फिर अगले दिन अनीता का हस्बैंड बाहर जाने वाला होता है। वह मार्कस को अपने घर आने के लिए कहती है ताकि दोनों मज़े कर सकें, लेकिन जब वह घर आती है तो देखती है उसका हस्बैंड घर पर ही है। कुछ टाइम बाद डोरबेल बजती है और वह डर जाती है। उसे लगता है कि मार्कस आ चुका है। जब वह दरवाज़ा खोलती है लेकिन सामने मार्कस की माँ होती है। दरअसल मार्कस की माँ को उन दोनों के बारे में पता चल गया था। फिर वह अनीता को बहुत ज़्यादा सुनाती है और उसे मार्कस से दूर रहने को कहती है और फिर अनीता भी घर से चली जाती है और किसी होटल में रुकती है। दूसरे दिन जब वह घर आती है तो देखती है उसका सूटकेस घर के बाहर रखा होता है। जब वह दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन उसका हस्बैंड दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वह सूटकेस लेकर वापस चली जाती है। फिर ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है कि मार्कस और अनीता का अफेयर चल रहा था और इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर अनीता मार्कस से मिलती है, तब हमें पता चलता है कि मार्कस ने ही अनीता के हस्बैंड को, पूरे स्कूल को और उसकी माँ को उन दोनों के अफेयर के बारे में बताया होता है और उसने ये भी कहा होता है कि अब अनीता उसे ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि एक यही तरीका बचा था कि वह अनीता से अपना पीछा छुड़वा सके। लास्ट सीन में अनीता को एक बेंच पर बैठे दिखाया जाता है और अब वह पूरी तरह अकेली है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।